से गिरफ्तार आतंकी नदीम और फतेहपुर के हबीबुल का आमना सामना आजमगढ़ के सबाउद्दीन आजमी से कराएगी। NIA और ATS की स्पेशल कोर्ट ने नदीम और हबीबुल को 12 दिन और सबाउद्दीन के 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। इनकी रिमांड आज सुबह 10 बजे से शुरू हो रही है। NIA और ATS की स्पेशल कोर्ट में ATS के CEO शैलेंद्र सिंह राठौर ने आतंकी नदीम और हबीबुल और ATS के CEO विपिन कुमार राय ने आतंकी सबाउद्दीन की 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की थी। विशेष जज अनुरोध मिश्र ने ATS की ओर से दाखिल दो अलग अलग अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की थी। ATS ने 12 अगस्त को सहारनपुर से नदीम और 14 अगस्त को फतेहपुर से हबीबुल को गिरफ्तार किया था। दोनों पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। 8 अगस्त को आजमगढ़ के सबाउद्दीन ISIS से जुड़ा है। इनके पास से बरामद मोबाइल और दस्तावेज की जांच और साथियों के विशेष में जानकारी के लिए रिमांड की मांग की थी। ATS सूत्रों के मुताबिक नदीम और हबीबुल के एक दूसरे से जुड़े होने के सबूतों को रिमांड के दौरान जुटाया जाएगा। दोनों का आमना सामना कराकर इनसे जुड़े लोगों के विषय में जानकारी जुटाई जाएगी। इससे साफ हो सके कि आखिर इनका इरादा क्या था। इनके साथियों से पाकिस्तान से लेकर अन्य देशों में बैठे आतंकी संगठन के लोग क्या कराना चाहते थे। नई आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन के नेटवर्क को खंगाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।